नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कोरोना की जंग में निरंतर जारी है टीम हम है इंसान द्वारा जन हितैषी कार्य, हर संभव प्रयास करती आ रही है टीम हम है इंसान। टीम हम है इंसान ने शहर में स्वच्छता की अलख जगाई और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से शहर में विकास के कार्य करने का बीड़ा उठाया। 8 महीने से प्रत्येक रविवार स्वयं को शहर के विकास कार्य के लिए समर्पित कर दिया। कोरोना काल प्रारंभ होते ही जागरूकता कैंप के साथ इस भीषण महामारी से निपटने के लिए टीम ने अपनी कमर कस ली और फिर टीम के सदस्यों ने अपने सामर्थ्य अनुसार संसाधन और कुछ राशि इकट्ठी कर कोरोना काल में अपने प्रयास और कार्य आरम्भ कर दिए। सबसे पहले अभियान में नगर के प्रमुख चिकित्सकों के सहयोग से कोरोना जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। उसके पश्चात टीम के द्वारा नगर के बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया। उसके बाद लॉकडाउन अवधि में टीम के सदस्यों ने प्रवासी श्रमिकों की मदद हेतु प्रशासन द्वारा संचालित जन सरोकार योजना में सहयोग कर श्रमिकों के भोजन की व्यवस्था की। लॉकडाउन में आम जनमानस तो प्रभावित हुआ ही, अपितु हमारे आसपास रहने वाले मूक पशु पक्षी भी बहुत ज्यादा परेशान हुए। इस समस्या के समाधान के लिए टीम ने नगर में विचरण कर रहे भूखे मवेशियों के भोजन और चारे की व्यवस्था की। कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों का पलायन निरंतर जारी है, तो टीम ने प्रयास किया कि जो श्रमिक हमारे नगर से होकर गुजर रहे हैं वह भूखे ना लौटें। कोरोना महामारी में हमारे कोरोना योद्धा यानी हमारे पुलिस विभाग के सभी पुलिसकर्मी इतनी भीषण गर्मी में निरंतर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। टीम के सदस्यों ने पुलिसकर्मियों को गर्मी में राहत पहुंचाने हेतु आम पना और पेयजल का वितरण भी किया, जिससे टीम के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा शुभकामनाएं भी दी गई। टीम के सदस्य बताते हैं कि हमारी टीम का प्रत्येक साथी अपने जेब खर्च में कटौती कर शहर के विकास और जनहितैषी कार्यों में सहयोग दे रहे हैं। इस महामारी के दौर में भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही सबके साथ और जागरूकता से कोरोना हारेगा और सागर जीतेगा। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। धन्यवाद, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। Oh,
पूरे मतलब भोजन सामग्री उसमें रहती है। करीब कितने लोगों के लिए हम ये पैकेट्स बांटेंगे? हमारा टारगेट रहता है हर दिन का 100 पैकेट हम बांट रहे हैं रेगुलर। कम से कम 100 पैकेट हम बांटे, 100 लोगों तक कम से कम इतना आहार पहुँचे कि उनको दिन भर का उतना आहार मिल सके। और ये तकरीबन चौथा आयोजन होगा हम इंसान का? हाँ, लगभग अल्टरनेट डेज में हम कर रहे हैं और अल्टरनेट डेज में हमारी टीम के 2-2 मेंबर जाके 100-100 पैकेट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज हमने सोचा कि जिला चिकित्सालय में वितरण करते हैं क्योंकि यहाँ पे कई मरीज आते हैं बाहर से। अभी जैसे कि लॉकडाउन के चलते हुए पूरी दुकानें होटल कैंटीन सब बंद है तो उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए आज हमने वहाँ के जो यात्री उनके साथ में लोग जो आते हैं उनके लिए भोजन वितरण की व्यवस्था की है। चलिए बहुत अच्छी बात है सलिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।